हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अप्लाइड ग्रामर की, और एसएससी का अप्लाइड ग्रामर का इंग्लिश सेक्शन का पूरा जो सिलेबस है वो मैं कवर करूँगा, और सारे वीडियो क्लास आपको पूरे सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, जिनको आप देख के इंग्लिश सेक्शन की, अप्लाइड ग्रामर सेक्शन की पूरी आप तैयारी एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए कर सकते हैं। तो एसएससी का यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, इन सभी का इंग्लिश सेक्शन का, अप्लाइड ग्रामर का पोर्शन इस सीरीज के थ्रू आपका कवर होगा। इसमें इंग्लिश सेक्शन की जो सबसे मेन बुक है एसएससी एग्जाम की, प्रिंट टू पैरामाउंट, उसका मैं सॉल्यूशन तो इसमें आपको दूंगा ही, और अपनी तरफ से कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मैं इसमें कवर करूंगा जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास वन है, इसमें मैं वर्ब का बेसिक पार्ट कवर करूंगा, और आगे के पार्ट्स आप पूरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और यदि आप फ्री कंटेंट चाहते हैं इंग्लिश सेक्शन का, जैसे फ्री ई बुक्स यदि आप लेना चाहते हैं, तो englishiq.in इस वेबसाइट पर आपको जाना है, और यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले वर्ब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। वर्ब देखिए बेसिकली क्या होती है, एक एक्शन वर्ड होता है या डूइंग वर्ड होता है। वर्ब काफ़ी डिटेल में है, क्योंकि वर्ब में हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, मेन वर्ब पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं। तो ये आगे के सेक्शन में आपको मिलेंगी, ये बेसिक पार्ट है, इसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा। देखिए, वर्ब जो होती है वो एक एक्शन वर्ड होता है, जिसके थ्रू हम किसी एक्शन को इंडिकेट करते हैं, जैसे गो है, डू है, लुक है। और वर्ब को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्प करना। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब की हेल्प करती है एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो किसी किसी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, किसी सेंटेंस में नहीं होता। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो तरह की वर्ब्स में, एक होती है मॉडल वर्ब्स और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए, मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मॉडल वर्ब भी हेल्प करती है मेन वर्ब की, और ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्प करती है मेन वर्ब की। लेकिन मॉडल वर्ब के थ्रू हम कुछ 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 स्पेशल क्वालिटीज़ को इंडिकेट करते हैं, जैसे पॉसिबिलिटी हुआ, परमिशन हुआ, कैपेबिलिटी हुआ, कैपेसिटी हुआ, क्षमता, योग्यता, इन सभी चीज़ों को हम मॉडल वर्ब के थ्रू हम इंडिकेट करते हैं। मॉडल वर्ब में आती हैं आपकी कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं, ये होती है मॉडल वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं आपकी इज, एम, आर, डू, डज, डिड, ये होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो इनमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है मॉडल वर्ब्स। ठीक है, ये सारी मॉडल वर्ब्स हैं, और इन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कैन के साथ, कुड के साथ, मे के साथ, इन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और ये है ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और बार बार जब आप इन वीडियो क्लासेस को देखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है, और ये आपकी मॉडल वर्ब्स हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, इनके थ्रू आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, दे कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, अब यहां पर आपने ही के साथ भी कैन लगाया है और दे के साथ भी कैन लगाया है, यानी कैन जो मॉडल वर्ब है इसकी फॉर्म प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स की होती है। जैसे यहां पर आप देखिए, ही हैज डन हिज होमवर्क, तो यहां पर आपने हिज लगाया है और यहां पर हैव लगाया है, या लगना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में ये फॉर्म है, ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल चेंज होती है, लेकिन यहां पर चेंज नहीं होती प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म इसका चेंज होता है। जैसे कैन प्रेजेंट प्रेजेंट फॉर्म में हम लगाते हैं, और कुड हम पास्ट फॉर्म में लगाते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। अब आप यहां पर देखिए, ही इज वर्किंग हार्ड, इसमें इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और वर्किंग जो है यह मेन वर्ब।
ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प कर रही है इस सेंटेंस को बनाने में। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर केवल इज है, यानी मेन वर्ब नहीं है, केवल इज है। तो यहां पर ये जो इज हेल्पिंग वर्ब थी इस सेंटेंस में, इस नीचे वाले सेंटेंस में इसी को हम मेन वर्ब मानेंगे, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब मानी जाएगी। इसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक आपको समझना है। आपको बहुत ज्यादा एसएससी के एग्जाम में निकलने के लिए ग्रामर ओरिएंटेड आपको नहीं होना है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके एप्लीकेशन को देखना है कि किस तरीके से उसका एप्लीकेशन यूज होता है। अब देखिए, ही टीचेस वेल, दे टीच वेल, इसमें हमने एस लगाया है। यहां पर हमने एस इसलिए लगाया है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है यहां पर और प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन यहां पर हमने एस नहीं लगाया। यानी इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेन वर्ब में हम ऐसे एस लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, लेकिन ऐसा मॉडल वर्ब में नहीं होता। कैन के साथ हम एस नहीं लगाते या आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। ठीक है, तो उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, यानी ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? देखिए मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब तीन होती हैं, नीड है, डेयर है एंड यूज टू है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नीड एंड डेयर को आप मेन वर्ब्स की तरह भी यूज कर सकते हैं और मॉडल वर्ब्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, नीड नॉट और डेयर नॉट ये होती हैं मॉडल वर्ब्स, नीड नॉट एंड डेयर नॉट, और अकेला नीड और अकेला डेयर ये होती हैं आपकी मेन वर्ब्स। नीड मतलब जरूरत और डेयर मतलब किस दुस्साहस करना या हिम्मत करना किसी काम को करने के लिए। तो चूंकि ये दोनों वर्ब्स मेन वर्ब की तरह भी यूज होती हैं और मॉडल की तरह भी यूज होती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यूज टू जो है इसको हम मॉडल की तरह भी यूज करते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, इसलिए ये तीनों वर्ब्स जो हैं इनको हम बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए ये थ्योरेटिकल पाथ है, लेकिन एग्जाम में निकलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है और मैं प्रैक्टिस आपको सफिशियंट करवाऊंगा। आपको बताऊंगा कि कब ये मेन वर्ब की तरह काम करती हैं और कब ये मॉडल वर्ब्स की तरह काम करती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मॉडल वर्ब्स आर जनरली हेल्पिंग वर्ब्स, बट नीड एंड डेयर कैन बी यूज्ड बोथ एज मेन वर्ब एंड मॉडल वर्ब। तो नीड नॉट एंड डेयर नॉट, ये दो वर्ब आप ध्यान रखिए, नीड नॉट एंड डेयर नॉट, इनको हम मॉडल की तरह यूज करते हैं। जब नीड के साथ नॉट लगा होता है, डेयर के साथ जब नॉट लगा होता है, तो इनको हम मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं और मॉडल वर्ब के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन पर अप्लाई होते हैं। नीड नॉट एंड डेयर नॉट ये है मॉडल वर्ब्स। और यूज टू को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक मॉडल वर्ब की तरह और एक एडजेक्टिव की तरह। अब आपको किसी भी चीज से बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे जब ये वीडियो क्लास एंड होगी, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है कि नीड नॉट एंड डेयर नॉट ये मॉडल वर्ब्स हैं, जबकि नीड एंड डेयर ये मेन वर्ब्स हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि नीड में आप एस लगा सकते हैं, डेयर में आप एस लगा सकते हैं, आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं जैसे हम मेन वर्ब की करते हैं, लेकिन नीड नॉट एंड डेयर नॉट ये मॉडल वर्ब्स हैं, तो इसमें आप एस नहीं लगा सकते या आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। जिस तरीके से कैन जो मॉडल वर्ब है उसमें आप एस या ईएस नहीं लगा सकते। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपको बताऊंगा और इसके थ्रू मैं आपकी ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। पूरा वीडियो क्लास प्लीज एंड तक देखिए, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। ठीक है, यहां से देखिए, ही नीड्स मी, क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है क्योंकि नीड को हमने मेन वर्ब की तरह यूज किया है और चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसमें एस लगाया गया है, तो ये सेंटेंस है आपका सही। दे नीड मी ये सही है क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है इसलिए नीड में एस नहीं लगेगा यहां पर। आई डू नॉट नीड टू वर्क हेयर ये भी सेंटेंस सही है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि किस तरीके से ये यूज होता है। ही डेयर्स टू टीच मी ये भी सही है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर नाउ ये भी सेंटेंस सही है। डज नॉट के साथ डज नॉट इसमें हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, उसी तरीके से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो डेयर में हमने एस इसमें लगाया है। अब कुछ और सेंटेंसेस मैं बताऊंगा, इनके थ्रू आपका पूरा एकदम से क्लियर
हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। देखिए ही नीड नॉट स्टे हेयर, देखिए ये नीड नॉट मैंने बताया था कि नीड नॉट एंड डेयर नॉट क्या होती है, मॉडल होती है। तो इसमें एस नहीं लगेगा यहाँ पर, यदि ही के चूंकि ही लगा हुआ है और यहाँ पर यदि आप एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे नीचे वाले सेंटेंस में देखिए नीड नॉट क्या होती है, मॉडल होती है। अब देखिए इसको यदि आप मॉडल कोई भी मॉडल वर्ब जैसे कैन इससे आप रिप्लेस करते हैं तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ही कैन स्टे हेयर, सही है सेंटेंस, ही कैन, नीड नॉट की जगह कैन लगा दिया। अब हम कैन में, क्या हम कैन में एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से नीड नॉट में एस इसमें नहीं लगेगा चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये है आपका गलत। तो जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका ना केवल स्पॉटिंग एरर बल्कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट और इवन पैराजम्बल, ये सब भी आपके इस तरीके से पढ़ने से सही होंगे। देखिए ही नीड नॉट, अब नीड नॉट क्या है, मॉडल वर्ब है यानी ये कैन के इक्विवेलेंट। तो क्या आप कैन के बाद टू लगाते हैं, नहीं लगाते, तो इसलिए ये टू हो गया यहाँ पर आपका गलत। ठीक है, ये सेंटेंस जो है ये आपका गलत है, ये वाला जो सेंटेंस ये गलत है। अब ये वाला देखिए ही डेयर नॉट टीच मी, इसमें डेयर नॉट क्या है, मॉडल वर्ब है, जैसे ही कैन नॉट टीच मी, तो ये आपका सेंटेंस सही है। ग्रीन कलर में जो सेंटेंसेस दिए हैं वो सही हैं। देखिए ही डेयर नॉट में डेयर में एस लगा दिया तो ये सेंटेंस हो गया गलत आपका। ही डेयर नॉट इसमें टू लगा दिया तो ये भी हो गया गलत। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूज टू, यूज टू को हम दो तरीके से यूज करते हैं, मॉडल वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह। कैसे ये मैं आपको क्लियरली आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई यूज टू प्ले फुटबॉल इन माई कॉलेज, देखिए ये यहाँ पर इसको जब यूज टू के साथ यहाँ पर इजमाल नहीं आता तो ये मॉडल वर्ब की तरह इसको हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर आप इस यूज टू को कैन से रिप्लेस करेंगे तो ये सेंटेंस सही होगा। I can play football in my college. सही है ये सेंटेंस। इसका मतलब used to यहाँ पर मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है और मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है यानी ये सेंटेंस सही है। ठीक है, इसमें यदि आप used to के साथ ing फॉर्म लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जब आप मॉडल को यूज करेंगे, मॉडल की तरह used to को करेंगे तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आई यूज टू प्लेइंग नहीं होगा, आई यूज टू प्ले होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एडजेक्टिव की तरह ये कैसे यूज होता है। देखिए आई एम स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव, मैं कैसा हूं या मैं क्या हूं, मैं स्मार्ट हूं, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव। आई एम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, अब इस एडजेक्टिव के स्थान पर यदि मैं यहां पर यूज टू को रखूं तो ये भी तो एडजेक्टिव माना जाएगा। आई एम यूज टू, मैं अभ्यस्त हूं, किस चीज का मैं अभ्यस्त हूं, तो यूज टू एडजेक्टिव है और यूज टू के बाद इस फॉर्म में, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में यूज टू के बाद हम क्या यूज करेंगे, हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे और आईएनजी फॉर्म जो होती है वो जेरेंड फॉर्म होती है, नाउन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जेरेंड क्या होता है। जेरेंड एक्चुअली वर्ब एंड नाउन का कॉम्बिनेशन होता है और यूज टू के बाद नाउन ही आप रख सकते हैं। I am used to, used to का मतलब होता है अभ्यस्त होना, मैं अभ्यस्त हूं लेकिन किस चीज का अभ्यस्त हूं। ठीक है, तो किसी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होती है, इसीलिए I am used to, he is used to, they are used to, इन सभी स्ट्रक्चर्स के साथ वर्ब की ing फॉर्म यानी जेरंड फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि जेरंड फॉर्म जो होती है वो इनडायरेक्टली नाउन फॉर्म ही होती है। ठीक है, तो जेरेंड का कॉन्सेप्ट क्या है इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ही इज यूज टू एंड ही इज यूज टू वॉट, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, तो वॉट जो है ये हमेशा इंडिकेट करता है नाउन को। ठीक है, जैसे वॉट इज योर फेवरेट बुक, तो इसका जो आंसर होगा वो नाउन के फॉर्म में आएगा, तो इसीलिए यूज टू का जो आंसर आएगा वो नाउन फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा ये मैं अभी आपको बता देता हूं, पहले आपको जेरेंड को समझना पड़ेगा कि जेरेंड क्या है। देखिए वर्ब एंड नाउन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो जेरेंड होता है। देखिए सपोज ये सेंटेंस है इज ए गुड एक्सरसाइज, तो इज क्या है, इसमें लिंकिंग वर्ब है,
ठीक है, इसको आप कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये किसकी है, ये नाउन की पोजीशन है, नाउन आएगा यहाँ पर। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर यदि आप लिख दें स्विमिंग, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग जो है अपने आप में ये पोजीशन किसकी, नाउन की है, तो स्विमिंग क्या हुआ, नाउन हुआ। लेकिन चूंकि स्विम एक वर्ब भी है इसलिए वर्ब एंड नाउन का कॉम्बिनेशन वो माना जाएगा, और वर्ब एंड नाउन का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं जेरंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्विमिंग यहां पर आया है, ये जेरंड फॉर्म है। ठीक है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, आई एंजॉय एक्सरसाइजिंग, ये नाउन फॉर्म है, इसको हम नाउन बोलते हैं। उसी तरीके से आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट, आई एम यूज टू वॉट, मैं किस चीज का अभ्यस्त हूं, मैं जल्दी उठने का अभ्यस्त हूं। तो आई एम यूज टू, ही इज यूज टू, दे आर यूज टू के साथ आप वर्ब की एनजी फॉर्म लगाएंगे, लेकिन केवल आई यूज टू जब आप बोलेंगे, इज एम आर नहीं लगाएंगे, तो उसमें आप फिर यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे यहां पर आप देखिए ही इज यूज टू, ठीक है, ही इज यूज टू, ये जो स्ट्रक्चर है इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, इसके साथ आई एनजी फॉर्म आएगी, यानी ये सेंटेंस जो है ये गलत है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अप्लाइड ग्रामर को पढ़ेंगे तो इससे आपका एक माइंड खुलेगा और एसएससी के इंग्लिश सेक्शन के सभी तरीके के क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू। यहां पर आप देख सकते हैं आई कैन लिफ्ट, देखिए कैन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें एस नहीं लगता है, ये सेंटेंस गलत है। शी डज नॉट नीड, नीड मेन वर्ब है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर टू होना चाहिए, शी डज नॉट नीड टू स्टे बैक, यहां पर, यानी ये सेंटेंस जो है ये गलत है, और क्यों गलत है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ही नीड नॉट वर्क, नीड नॉट क्या है, नीड नॉट और डियर नॉट क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, मॉडल के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं बिना टू के, जिस तरीके से कैन में टू नहीं लगता है, तो ये सेंटेंस है आपका सही, और क्यों है सही ये भी मैंने आपको बता दिया। ही डेयर्ड टू स्कोल्ड मी लाइक अ बॉस, उसने मुझे डांटने की हिमाकत करी बॉस की तरह। तो डेयर इसमें आपका मेन वर्ब है, तो इसलिए इसकी फॉर्म यहां पर चेंज की है। आपको केवल नीड नॉट और डेयर नॉट को याद रखना है कि नीड नॉट और डेयर नॉट मॉडल की तरह यूज होते हैं, नीड और डेयर मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं, तो ये सेंटेंस आपका सही है। शी यूज टू, सी यूज टू, देखिए इज एम आर यहां पर नहीं है यूज टू में, यानी इसको हम मॉडल की तरह यूज कर रहे हैं, और जब मॉडल की तरह यूज करेंगे तो यहां पर आई एन जी फॉर्म नहीं आएगी, यहां पर आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। आई एम नॉट यूज टू, देखिए यहां पर भी यूज टू है और यूज टू के साथ एम लगा हुआ है। आई एम नॉट यूज टू, मैं अभ्यस्त नहीं हूं, मैं किस चीज का अभ्यस्त नहीं हूं, ईटिंग टू मच, तो यहां पर ईट ना होते हुए यहां पर आएगा ईटिंग, और ये सेंटेंस है आपका गलत। तो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। ठीक है, अब कैन और कुड का क्या बेसिक्स है ये थोड़ा सा हम यहां पर पढ़ेंगे। कैन को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, कुड को हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। कैन का मतलब क्या होता है, कैन ऐसा मैं कर सकता हूं, तो इसको हम एबिलिटी यानी योग्यता दर्शाने के लिए, कैपेसिटी यानी क्षमता दर्शाने के लिए, पावर यानी शक्ति दर्शाने के लिए, परमिशन आज्ञा मांगने के लिए, पॉसिबिलिटी यानी संभावना दिखाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो कैन को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और कुड को हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। इनके और भी कई सारे यूजेस हैं, वो मैं धीमे धीमे आपको आगे के पार्ट्स में बताऊंगा। अब देखिए आई कैन प्ले चेस वेरी वेल, सही है ये सेंटेंस। आई कुड लिफ्ट 80 kg व्हेन आई वॉज यंग, यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ये वॉज के थ्रू हम पास्ट टेंस बता रहे हैं, इसलिए यहां पर कोट लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है। आई कुड लिफ्ट इट, देखिए ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि कुड के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। एनी वन कैन मेक अ सिली मिस्टेक, ये सेंटेंस सही है। एनी वन कैन मेक्स, क्या कैन के साथ हम एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, मैंने शुरू में बताया था, यानी ये सेंटेंस गलत हो गया। आई कैन लिफ्ट 80 kg व्हेन आई वॉज यंग, पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में हम कैन नहीं लगाएंगे, तो इसमें कैन नहीं आएगा, आई कुड लिफ्ट हम बोलेंगे यहां पर, तो ये सेंटेंस आपका हो गया गलत। ठीक है, अब आगे का देखिए, कैन मे और कुड इन तीनों को ही हम परमिशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, कैन होता है इनफॉर्मल,
इसको हम फ्रेंड्स के साथ और कैजुअल सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, मे और पुट को हम फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, इन तीनों को ही परमिशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैन आई यूज़ योर मोबाइल, ये आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं। मे आई कम इन, ये आप ऑफिस में बोल सकते हैं। कुड आई कम इन, इसको भी आप ऑफिस में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है। और कुड, इसको आप रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिसकी संभावना बहुत कम हो। जैसे ये जो सेंटेंस है, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, आपकी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, मतलब इसकी संभावना बहुत कम है। तो कम संभावना, वीक पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इज एबल टू, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश, इन दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। तो इसीलिए इज एबल टू और कैन, इन दोनों का प्रयोग एक साथ करना गलत माना जाएगा, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में इज एबल टू, वॉज एबल टू प्लस कैन और कुड, इन दोनों को एक साथ यूज करना गलत होगा। आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये जो सेंटेंस है जो रेड कलर में लिखा है, ये गलत है, क्योंकि कैन इसमें एबल टू और कैन दोनों का साथ में यूज हुआ है। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, वॉज एबल टू स्पेसिफिक सक्सेस बताता है पास्ट में, वॉज एबल टू, वॉज एबल टू में एबिलिटी और एक्शन दोनों ही आ जाते हैं, मतलब आप में क्षमता थी और आपने उस काम को किया। जैसे जब भी हम किसी पास्ट इंसिडेंट की बात करते हैं, कोई भी इंसिडेंट है कि हम वहाँ जा रहे थे और वहाँ ऐसा हुआ, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम फंस गए, और वहाँ पर चूंकि हमारे अंदर योग्यता थी हम उस काम को कर पाए, तो इसको दिखाने के लिए हम वॉज एबल टू का यूज करते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं, सिंस द फाइनल एग्जाम राउंड वॉज टफ ओनली अ फ्यू स्टूडेंट कुड पास इट, ये सेंटेंस गलत क्यों है? क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक सक्सेस की हम बात कर रहे हैं, कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में चूंकि एग्जाम टफ था, इसलिए केवल कुछ लोग ही उस एग्जाम को पास कर पाए, कुछ लोगों के पास ही एबिलिटी थी, इसलिए कुछ लोग ही उसको पास कर पाए। तो ये है स्पेसिफिक सक्सेस का एग्जाम्पल। ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, नीचे वाला सेंटेंस सही है। अब देखिए, मोजार्ट कुड कंपोज लिटिल पीसेस ऑफ म्यूजिक इवन व्हेन ही वाज फाइव, मोजार्ट जो है वो म्यूजिक की रचना कर सकता था उस एज में जबकि वो 5 साल का था। तो यहां पर तो हम एक जनरल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये जनरल एबिलिटी है, तो जनरल एबिलिटी में हम कुड लगा सकते हैं, कुड का प्रयोग सही होगा। लेकिन स्पेसिफिक सक्सेस की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम वॉज एबल टू या वर एबल टू लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, वी वर एबल टू रीच टू द टॉप ऑफ द हिल स्टेशन हिल बिफोर इट गॉट डार्क यस्टरडे, मतलब हम हिल के टॉप तक पहुंचने में समर्थ थे, हमारे अंदर एबिलिटी थी और हम ऐसा कर पाए डार्क होने से पहले, अंधेरा होने से पहले। तो ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक स्पेसिफिक सक्सेस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम वर एबल टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में इन दोनों का मतलब एक ही होगा, यानी कुड नॉट के स्थान पर आप वॉज नॉट एबल टू भी लगा सकते हैं, ये निगेटिव है, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में इन दोनों का मीनिंग एक ही होगा और ये इंटरचेंजेबल होंगे, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही तरीके से आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। बिकॉज ऑफ द ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जॉन कुड नॉट फिनिश हिज यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इसकी जगह आप वॉज नॉट एबल टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वी यूज कैन इंस्टेड ऑफ बी एबल टू इन पैसिव फॉर्म, यहां पर देखिए कोई भी चीज रटनी नहीं है, आपको समझना है। देखिए, ये सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, द गेम इज एबल टू बी प्लेड, द गेम इज एबल टू बी प्लेड बाय टू और मोर प्लेयर्स, मतलब इस गेम को दो या दो से अधिक लोगों के साथ खेला जा सकता है। तो यहां पर आपने कैन लगाया है, यहां पर एबल टू लगाया। एबल क्या होता है? एबल का संबंध एबिलिटी से, और एबिलिटी किसी व्यक्ति में होती है। इस एबल को क्या आप गेम के साथ लगा सकते हैं? इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि उस गेम में ऐसी योग्यता थी
कि उसको दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा खेला जा सकता था। यहाँ पर एबल टू का जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है ये गलत बन रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो पैसिव वॉइस में कैन के स्थान पर एबल टू का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये है इंग्लिश सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग। देखिए एसएससी के किसी भी एग्जाम में निकलने के लिए इंग्लिश सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, बनस्पत इसके कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट को आप रटें। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, आपको कॉन्टेक्स्ट को सीखना है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और अंडरस्टैंडिंग यदि आपने डेवलप कर ली तो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में निकलना बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। और ये चीज़ मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज़ को तो आप देखिए ही, इसके अलावा इस चैनल पर जो दूसरी प्लेलिस्ट हैं, जो दूसरे वीडियो क्लासेस हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और यदि आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं examini.in पर। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। मैं एक ब्लॉग भी रन करता हूँ englishiq.in, यहाँ पर भी जा सकते हैं आप और काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फ्री ईबुक्स यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और examini.in पर एक डिस्कशन ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग ग्रुप्स भी हैं और एक कॉमन ग्रुप भी है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। और ये पूरी सीरीज़ आपको सीक्वेंस में देखना है, एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में बना दूंगा और उस प्लेलिस्ट का नाम होगा इंग्लिश ग्रामर एसएससी प्लिन टू पैरामाउंट। तो प्लिन टू पैरामाउंट का पूरा सॉल्यूशन तो इसमें मिलेगा ही, कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मैं इस सीरीज़ में कवर करूँगा, जिससे इंग्लिश सेक्शन की ग्रामर की पूरी तैयारी सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपकी काफ़ी इफेक्टिव तरीके से हो पाएगी। तो यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।